निर्भया के दरिंदे एक बार फिर फांसी पर लटकने से बच गए हैं। निर्भया के चारों दोषी पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह और विनय शर्मा के डेथ वारंट पर 3 बार रोक लगी है, लेकिन अब इनके पास सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। अब दोषियों के पास फांसी को ज्यादा दिनों तक टालने का कोई पुख्ता कानूनी पैतरा नहीं है। इसके पहले भी सभी दोषियों ने अलग अलग समय पर अपने विकल्पों का उपयोग कर 3 बार डेथ वारंट पर रोक लगवा ली है। सोमवार तक सभी दोषियों ने अपने सभी पैंतरे अपना लिए हैं। गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के दोषियों के डेथ वारंट पर सोमवार को 3री बार रोक लगा दी। अभियोजन पक्ष ने इससे पहले जिरह करते हुए कहा कि अदालत के पास अब दोषियों की फांसी पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है, हाईकोर्ट ही दोषियों की फांसी पर रोक लगा सकता है। रविवार शाम जल्लाद पवन तिहाड़ जेल पहुंचे थे, जहां जल्लाद को देख दोषियों के चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा रहा था। रविवार रात चारों आरोपी बेचैन थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि सोमवार को उनके डेथ वारंट पर रोक लग जाएगी। जेल सूत्रों के मुताबिक सारी प्रक्रिया होने के बाद सभी दोषी गुमसुम होकर अपने सेल में एक किनारे में बैठकर सोचने लगे। सोमवार को किसी भी दोषी का परिवार वाला उनसे मिलने जेल नहीं पहुंचा। इधर जेल पहुंचने के बाद जल्लाद ने चारों दोषियों के गले का नाप, वजन और लंबाई नापी। ये सब अगले दिन होने वाली फांसी के ट्रायल के लिए किया गया। जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो दोषियों को लगा था कि 3 मार्च को उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन जब डेथ वारंट पर रोक लगने की खबर मिली तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।